वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को पीछे दिख ही रहा होगा, तो हाँ, मैं आज आप लोगों को एक जगह लेके आई हूँ। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि अब हम लोग फिर से एक नई लोकेशन की तलाश में निकल गए हैं। आज जिस जगह पर हैं ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये लेक है यहाँ पर जर्मनी में, इसका नाम है फोगनसे। और ये मैन मेड लेक है, तो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट बात ये 12 किलोमीटर का मैन मेड लेक है। एक लैश करके रिवर है, उसके थ्रू ये बनता है और पानी जो है उसी के थ्रू यहाँ से निकल जाता है। मतलब कोई तो साइंटिस्ट कुछ चीज़ है, मैं नहीं बता सकती क्योंकि आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, कैसे बना, क्या बना, वो सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ। बट ये बता सकती हूँ दिस इज़ मैन मेड लेक। थोड़ा सा मैं आपको उस तरफ का नज़ारा दिखाऊंगी, बिकॉज ये जो जगह है बाथटब भी बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लोग करते हैं समर्स के टाइम पे, जैसे सेलिंग हो गई, बोटिंग हो गई, और भी कुछ लोग यहाँ पर करते हैं। विंटर्स के टाइम पे जनरली ये डेड होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, बिकॉज ये एल्प्स एरिया के बहुत पास में है। पर ये फिसन के नॉर्थ में है, जो कि एक टाउन है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग कैसे इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब जनरली मैंने देखा है इंडिया में हमारे टूरिस्ट प्लेस पे लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, पर यहाँ पर लोग ऐसे इन्जॉय कर रहे हैं। एक जगह है जहाँ पर लोगों ने अपनी कार और जो उनकी वैन वगैरह होती है, अपने तंबू वंबू लगा के वहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठ के इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, और कुछ लोग बोटिंग, सेलिंग और ये सब कर रहे हैं जो पीछे आपको दिख रहा है। हम लोग भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर बैठे थे और वो ये ब्यूटी जो है उसे एडमायर कर रहे थे और देख रहे थे हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप्स दिखाते हैं यहाँ की। चेयर लेके बैठ गए हैं। आसपास भी कुछ जगह हैं जो कि जर्मनी की बहुत फेमस जगह हैं, जैसे कि नॉयशॉइनस्टाइन करके एक कैसल है यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा या आप लोगों ने पिक्चर्स तो उसकी ज़रूर देखी होगी, जिसे यहाँ पर डिज्नी कैसल या फेरी टेल कैसल भी बोलते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से ही बनाया गया है। यहाँ से कुछ 15 मिनट्स की ड्राइव है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। तो एक बार जब लोग यहाँ पर ये जगह इंजॉय कर लेते हैं, ये लेक इंजॉय कर लेते हैं, तो दूसरा है वो किला, वो कैसल, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। तो ये भी आप लोग देख सकते हो यहाँ। और आप लोग यहाँ पर ये देखो, ये बड़ी वाली बोट भी यहाँ पर चल रही है, तो उसमें भी जा सकते हो। अभी तो हम लोग बस इसको मतलब इंजॉय करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो पत्थर है इस तरीके के लगाए हुए हैं, वहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग अपनी चादर वादर लेके भी आए हैं और वो बिछा के और आराम से बैठे हुए हैं। मैं आपको ना ये रिवर लेश करके रिवर है, वहाँ से आया पानी, मैं आप लोगों को इसका पानी दिखाती हूँ कितना क्लीनर वाटर है। एक्चुअली बहुत क्लियर वाटर है ये, देखो पूरे पत्थर वत्थर दिख रहे हैं, और इसके अंदर बहुत सारी फिशेज हैं इस लेक में भी। एंड द ब्यूटी इज़
माउंटेन से घिरा हुआ है, एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर। जो कैसल की मैं बात कर रही थी वो देखो वो सामने दिख रहा है, थोड़ा दूर है तो आप वहीं जाके देखेंगे। पर दीपक कितना अच्छा बना हुआ है, तुम देखो पहाड़ है और इस तरफ लेक है, एक्चुअली ब्यूटी वही है। और आप लोग ऐसे पत्थर मार के देख सकते हो कि आपका ज्यादा दूर जाता है या दीपक का। दीपक मारना, रन टू मेरा क्योंकि मैं आगे बैठी हूँ। मतलब क्या चाहिए, ये पानी की आवाज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौसम ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ बैठ के। हमने काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत देर हो गई है। और दीपक शायद IPL के स्कोर देख रहे हैं, कौन जीता। और इसके मतलब यहाँ पर रुकने के बाद फिर इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं, हमने गार्मिश में एक होटल बुक किया है तो बस हम एक दिन और वहाँ पर रुकेंगे एंड देन वी विल बैक। इट्स टाइम टू गो, बाय बाय लेक फॉगेंजे। और अब हम लोग जाने वाले हैं, चल रहे क्या कैसल? हाँ तो चढ़ जाएंगे ना, तो अब हम लोग कैसल जाने वाले हैं जो दिख। हाँ ये यंगस्टर पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर, देखो बोट्स हैं और यहाँ पर कैंप वो जो वैंस वगैरह हैं या तंबू वम्बू लोगों ने लगाया हुआ है। पार्किंग करते होंगे ना, वो पार्किंग एरिया है, यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, हम लोग बैठने के लिए किसी को कोई बनाई नहीं है, हमने अपनी कार पार्क वहाँ पर। तो गाइज अब हम लोग जाते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये कैसा लगा, नई जगह आपको देखने मिली और जर्मनी में बहुत ही कॉमन है इस तरीके के लेक। और जो बवेरियन स्टेट है उसमें तो बहुत ही, ये थर्ड लार्जेस्ट लेक है इस बवेरियन स्टेट का, पर मतलब बहुत ही सुंदर है। मैं तो बस ये बोलूँगी कि ये ब्यूटी जो है वो खुद आओ और देखो तभी आप कर सकते हो। और यहाँ पर भी लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है स्टे के लिए भी ऊपर है अगर आपको स्टे करना है तो। और फ्यूसन जो है वो यहाँ पर टाउन है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। हम लोगों ने देखे थे होटल Airbnb वगैरह, पर अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, हम वहाँ जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।